सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एकदम लजीज रेसिपी, वो है चिकन बिरयानी की रेसिपी। इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाएं और खाएं, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका चिकन बिरयानी कैसा बना। बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में तो एकदम लजीज, इतना कि देखते मुंह में पानी आ जाए। इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाए। देखिए, ये 1.25 किलो चिकन है, 1 पाव दही है, 1 प्याज पिसा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, हम इसमें 1.25 किलो चिकन में 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। ये अंडा है, ये नमक है, नमक और अंडा, 2 अंडा दिए हम 1.25 किलो के लिए। ये मसाले हैं, लाल मिर्च दोनों है, एक कुटी लाल मिर्च है, एक पीसी लाल मिर्च है, एक गरम मसाला है और एक किचन किंग है। ये लाल मिर्च पीसी हुई है, एक कुटी हुई है। ये अरारोट है 100 ग्राम में करीब। इसमें हमने जो मसाले लिए थे वो मैरिनेट के लिए, वो इसी में डाल देते हैं, और एक प्याज पिसा हुआ डाल देते हैं। और दही जब भी आप डालें तो दही में ध्यान रखें कि बिल्कुल पानी नहीं हो, क्योंकि मैरिनेट में ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर वो बढ़िया से मैरिनेट नहीं हो पाता है। और यहीं पे हम 2 अंडे फोड़ के डाल देते हैं। इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। और यहीं पे हमने जो 100 ग्राम आर रोट दिया था उसको भी हम डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा कदर डाल देते हैं। कदर ऑप्शनल है, डालें ना डालें, क्योंकि थोड़ा सा कदर से बढ़िया दिखता है। जब चिकन को हम फ्राई करते हैं उसका कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। और इसको हम मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और 10 मिनट के बाद फिर हम निकालेंगे तो इसको हम फ्राई करेंगे। इधर हम 1 किलो चावल लिए हैं। चावल थोड़ा लंबा आकार का होना चाहिए जिसका बिरयानी बन सके। और यहीं पे हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच नमक। और 1 किलो चावल हमने लिया है, इसको हम धो के और इसी में डाल देते हैं। चावल को 50 से 60% उबालना होता है, और उबालने के बाद हम बड़े बर्तन में छान के रख देते हैं। देखिए, हमें 1/2 किलो प्याज इधर काट दिया है, और इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को। इधर हमने कढ़ाई दिया है, और कढ़ाई में 1 पाव के करीब हमने तेल डाल दिया है, और इसी में हम प्याज को फ्राई कर देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम हाई रखें प्याज फ्राई करते समय। इस तरह से हम फ्राई कर देंगे। इधर देखिए, हमने प्याज एक बचा रखा है, एक टमाटर प्याज की प्यूरी है, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको देखिए हमने क्रश कर रखा है दोनों को, ताकि इसका फ्लेवर चला जाए। 1 फूल जावित्री का है, 4-5 लौंग है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च, कुटी मिर्च 1-1 चम्मच छोटा छोटा, ये लाल मिर्च है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, और यहीं पे है बिरयानी मसाला 1 चम्मच। चावल को ऐसे हाथ से तोड़ के देख लेते हैं, अगर दो दो टुकड़ा टूटने लगे तो समझ लीजिए कि आपका 50-60% चावल हो गया है। तो फटाफट चावल को आप छन्नी से छान के और बाहर निकाल लें। नीचे हमने एक
छोटा सा आटा गूंदने वाला परात रख रखा है और उसी में हम ये सारे चावल डाल देंगे इस तरह से, और इसका पानी हम निकाल कर रख देंगे। अगर ग्रेवी में थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है तो इसी पानी को डाल देंगे, क्योंकि पानी एकदम बढ़िया है और इसमें हमने देसी घी डाल रखा है तो थोड़ा सा फ्लेवर तो आ ही जाता है। तो पानी को हम हटा देंगे और दूसरे एक बर्तन पे रख देंगे और इसको फैला देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि एक में एक दवा रहेगा तो ओवर कुक हो जाता है। और इधर हमारा 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट के बाद हम फ्रीजर में से मैरिनेट किया हुआ चिकन निकालते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं। ये देखिए अब इसको मैरिनेशन में ही मिला मिला के इसको हम इधर तेल हमने जिसमें प्याज फ्राई कर रखा था उसी में थोड़ा थोड़ा करके, तेल उतना ही आप यूज़ करें, बेशक 4 बार में फ्राई हो 5 बार में फ्राई हो, लेकिन तेल उतना ही रखें कि तेल वेस्ट नहीं हो, क्योंकि तेल आज चिकन बना लेंगे तो कल इसको किस सब्ज़ी में आप डालेंगे, तो इस वजह से तेल थोड़ा ही रखें, 1 पाव तेल डालें जितना आपको डालना हो। बिरयानी में तो वैसे भी तेल घी का तो खेला ही होता है, तो इस वजह से आप उतना ही हिसाब से डालें ताकि कि तेल आपका फ्राई करते समय और बिरयानी बनते बनते ये तेल ख़त्म हो जाए। इस तरह से आप 2-3 मिनट के बाद इसको डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद इसको पलट दें और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें, डालते समय हाई रखें, डालने के बाद मीडियम टू लो कर दें और इस तरह से करारा करारा चिकन फ्राई करके निकालें। देखने से ही मुंह में पानी आ जाए, खाने की तो बात दूर है। इस तरह से आप बनाएंगे चिकन बिरयानी तो बोलेंगे कि क्या भाई, ऐसा चिकन बिरयानी तो हमने पहला बार बनाया है और देखा है। बहुत आपने चिकन बिरयानी खाया होगा रेडियो पे, दुकानों पे, लेकिन इस तरह चिकन बिरयानी कोई नहीं बना के आपको देता होगा। ये आप घर पे ही इसको इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से सारा हमने फ्राई कर दिया है और जो तड़के के लिए हमने साबुत मसाला लिया था जावित्री दालचीनी वो इसी में हमने डाल दिया है, और यहीं पे जो हमने आधा किलो प्याज से जो बचा हुआ था फ्राई करने के बाद वो प्याज को ही हम डाल देते हैं और इसको भी हम फ्राई कर देते हैं। इधर देखिए हमारा चिकन बिरयानी के लिए चिकन फ्राई हो चुका है, इधर हमारा इतना मसाला बचा हुआ है तो हम इसको ग्रेवी में यूज कर देंगे। तो यहीं पे हम हमारा प्याज भून गया है, इसी में हम वो मसाले को डाल देंगे ताकि उसका ग्रेवी तैयार हो जाए। और ये ऑप्शनल है प्याज और टमाटर की ग्रेवी, अगर आप चाहें तो इसको प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाएं। और यहीं पे हमने जो मसाला लिया था बिरयानी मसाला, लाल मिर्च कूटा पिसा और धनिया पाउडर, उसको इसी में डाल देते हैं और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, ध्यान में रखते हुए कि हमने चावल में भी नमक डाल रखा है और चिकन के मैरिनेशन में भी नमक डाल रखा है। और इसी में हम डाल देते हैं ये मसाले और इसको बढ़िया से हम पका लेंगे। ये हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है बिरयानी के लिए। इधर पतीला हमने वो खाली कर रखा है जिसमें चावल उबाल रखा था और उसी में हम 1 चम्मच ये देसी घी नीचे डाल देते हैं ताकि चावल नीचे से चिपके नहीं। इसको हम नीचे उतार कर रख देते हैं क्योंकि दूर से चावल को बढ़िया से ढंग से सजाया हुआ नहीं बनता है। और देखिए चावल कितना खुला खुला बना है, तो इसी में हम आधा चावल को डाल देंगे। आप जितना भी चावल बनाते हैं तो आधा पहले लेयर में बिछा दें और आधा दूसरे लेयर में। यहीं पे हम धनिया पत्ता पुदीना के पत्ते डाल देंगे और यहीं पे हम डालेंगे जो हमने प्याज को फ्राई कर रखा था वो भी डाल देंगे। उसके बाद चिकन को जो भी आपको जितना पीस है आधा या करीब नीचे बिछा दें और आधा या करीब ऊपर, जितना भी चिकन आप लिए हों। 1 किलो चावल है और 1.25 किलो चिकन है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1.25 किलो चिकन और 1.25 किलो चावल, ये दोनों का कम्बिनेशन ठीक है। यहीं पे केवड़ा जल हम डाल देंगे यहाँ पे 10-15 ड्रॉप हमने केवड़ा जल डाल दिया है और इसी में हम कलर तैयार कर देंगे। ये देखिए विलो कलर है, ये फूड कलर होता है,
और यहीं पर जो हमने ग्रेवी हमारा बन के तैयार हो गया है उसको एक लेयर इसमें बिछा देते हैं हम। ये थोड़ा सा इसमें मसाले हल्का सा ज़्यादा हो गए हैं, आप मसाले थोड़ा पतला ही रखेंगे तो और बढ़िया होगा। और फिर दूसरा लेयर भी हमने चावल बिछा दिया है इसमें, और यहीं पे धनिया पुदीना का पत्ता हमने डाल दिया है। इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाएं, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका चिकन बिरयानी कैसा बना। ये हमारे बहुत दिनों से रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत हमारे दोस्त रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो बहुत दोस्तों के रिक्वेस्ट के बाद हमें बना रहे हैं। थोड़ा मेहनत करने वाली वीडियो है और थोड़ा टाइम लगने वाली वीडियो है, इसको एकदम तसल्ली से बनाया जा सकता है फ्री टाइम में, और बढ़िया बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे चिकन बिरयानी, तो आप खाने खाते हुए अगर आपको भूख होगा एक प्लेट खाने का तो आप सवा प्लेट भी खा सकते हैं। इसकी ग्रेवी हल्का पतली भी कर सकते हैं, पतली करेंगे तो और भी बढ़िया है। थोड़ा सा मसाले जो हमने आपको बताया कि प्याज और टमाटर की ग्रेवी, तो आप ऑप्शनल है डालें या ना डालें, और यहीं पे जो हम फूड कलर डाला था वो भी यहीं पे डाल देते हैं। दो पिंच हमने फूड कलर डाल रखा है, और यहीं पे जो केवड़ा जल हमने दे रखा था वो भी यहीं पे डाल देते हैं हम। केवड़ा जल में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया था, और यहीं पे हम तवा गरम कर रहे हैं, इसको दम पे हम 10 मिनट पकाएंगे ऐसे। तवा गरम होने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसको 10 मिनट ऐसे उबालेंगे। और देखिए इसी के बिरयानी की चटनी हम बनाएंगे, दो टमाटर, एक थोड़ा सा लहसुन, एक थोड़ा सा अदरक, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, और यहीं पे हम डालेंगे दही। ये बिरयानी का एकदम परफेक्ट चटनी है। इस तरह से बिरयानी की चटनी बनाएं, बड़ा मज़ा आएगा खाने में आपको। हम आपके साथ चटनी भी शेयर कर रहे हैं बिरयानी की, और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम चटनी में पीसने के बाद। सर्विंग के लिए थोड़ा हमने इस तरह से प्याज को काट दिया है, और यहीं पे थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं, और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। ये देखिए 10 मिनट दम के बाद हम इसको उतार के रख दिए हैं। ये देखिए एकदम एकदम बढ़िया से ये गर्म हो चुका है। अब देखिए आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।